हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप आपके चेहरे को गोरा बनाना चाहते हो, चेहरे को चमकाना चाहते हो, और क्या आप चाहते हो कि आपके स्किन पे कुछ भी प्रकार का दाग धब्बे ना हो, आपके चेहरा हमेशा हीरे जैसा चमके और आपके स्किन पे बुढ़ापा ना आए, आपके स्किन बहुत ही टाइट और यंगर बनी रहे। तो आज का ये रेमेडी सिर्फ आपके लिए, ये आपके चेहरे को बहुत ही जल्दी गोरा बनाकर उसे यंगर लुकिंग स्किन देने के लिए 100% इफेक्टिव रेमेडी है। साथ ही साथ ये आपके स्किन से सारे दाग धब्बे को बहुत ही जल्दी गायब कर देता है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इस रेमेडी को हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ये है बॉयल राइस वाटर। जब हम चावल पकाते हैं उसका जो पानी है ये वही पानी है जिसमें बहुत सारे गुड न्यूट्रिएंट्स है जो आपके स्किन से सारे दाग धब्बे को दूर करता है, आपके स्किन को बहुत ही जल्दी गोरा बनाता है और आपके स्किन को बहुत ही टाइट यंगर लुकिंग स्किन देता है। तो जब भी आप घर पर चावल पकाते हैं तो जब ही चावल अच्छे से पक जाए तो उसका जो पानी है आप वही निकाल लीजिए। तो अब हम इसे पैक बनाएंगे। तो इसके लिए आप ले लीजिए 1 चम्मच गेहूं का आटा और इसमें ले लीजिए थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी पाउडर और इसमें हम ले लेंगे जो बॉइल्ड राइस वाटर हमने निकाला है उसमें से ले लीजिए 3 से 4 चम्मच। आप देख कर यूज कीजिए जितना चाहिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा फेस पैक बनके रेडी हो गया है। इसे आप लेकर क्लीन फेस पे अच्छे से लगाएं। आप चाहे तो इसे पूरे बॉडी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, हाथ पे, गर्दन पे, कहीं पे भी आप चाहे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसे लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 15 से 20 मिनट के बाद इसे धीरे धीरे मसाज करते हुए धो लीजिए। हफ्ते में बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर यूज कीजिए। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपको फर्क दिखेगा, आपके स्किन पर ग्लो आ जाएगा, आपके स्किन बहुत ही टाइट यंगर बन जाएंगे और आपके स्किन बहुत ही गोरा भी बन जाएगा। बहुत अच्छा रेमेडी है और बहुत ही सस्ता है, आप ज़रूर एक बार यूज करके देखिए। आप चाहे तो इसे हर रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा रेमेडी है फ्रेंड्स। मेरी कहने पर आप एक बार ज़रूर इसे यूज कीजिए और इसका रिजल्ट आपको कैसा मिला मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे, बाय बाय।